नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर हम अक्सर बात करते रहते हैं और हम खासतौर से फोकस करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आने वाले समय के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर रही हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि समाजवादी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि समाजवादी पार्टी 2022 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा उसमें सबसे मुख्य विपक्षी दल होगी। उसने उपचुनाव में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और सीटें अपनी बढ़ाने में सफल रही। इसके विपरीत मैंने एक वीडियो बनाया था बहुजन समाज पार्टी कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपना ग्राउंड उत्तर प्रदेश में खो बैठी है और उसकी स्ट्रेटजी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी कि समाजवादी पार्टी की नज़र आ रही है। और उपचुनाव में उसने पहली बार अपना कदम रखा, उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हुई। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन लोकसभा चुनाव में किया था मायावती की पार्टी ने, तो उसमें उन्हें सफलता मिली थी और 10 सांसद बनवाने में मायावती की पार्टी सफल रही थी। लेकिन बाद में मायावती ने ये गठबंधन तोड़ दिया, कह दिया कि भाई सपा से गठबंधन का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि वो 0 से 10 सांसद पर पहुंच गई थी इस चुनाव में। इसके बावजूद भी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुजन समाज पार्टी कैसे फेयर करने वाली है, उसका क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है 2022 के लिए। एक वीडियो मैंने बनाया था कि 2022 के लिए बीजेपी, जो कि सत्ताधारी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो कैसे अपने आप को तैयार कर रही है, कैसे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रही है और किस तरीके से वो अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रही है कि हमने बहुत सारा विकास कराया है। इनके बारे में हम वीडियो बना चुके और अब वीडियो एक बनता था कि हम कांग्रेस पर ज़रूर बनाएं। देखिए, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, कभी इसकी तूती बोलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दशक से कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है। कभी एनडी तिवारी के समय में हुआ करती थी, उसके बाद जब से मुलायम सिंह यादव और क्या नाम मायावती इनका उदय हुआ है, तब से कांग्रेस यहाँ ख़त्म हो गई है। मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को चले गए कांग्रेस के, दलित वोटर बसपा के पास चले गए, सवर्ण वोट बीजेपी के पास चले गए राम मंदिर आंदोलन के बाद। तो अब यानी कि कांग्रेस के पास यहाँ कुछ नहीं है और कांग्रेस 0 से अपनी बैटल को शुरू करने जा रही है। मैं 0 से इस बार इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में भी पार्टी यहाँ 0 हो गई। एक रायबरेली से सोनिया गांधी के अलावा कोई सीट नहीं मिली। राहुल गांधी परंपरागत सीट अमेठी की हार गए। प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया था कैंपेन करने के लिए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, पार्टी बुरी तरह से विफल रही। अब पार्टी का फोकस है कि जो अपने खोए हुए वोटर हैं उन्हें किसी तरीके से वापस लाया जाए। देखिए, सीधा सा मुद्दा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुस्लिम वोटर सपा के पास चले गए, दलित वोटर बसपा के पास चले गए, ये 2 बेस वोटर कांग्रेस के कभी हुआ करते थे, इन्हें कैसे पाया जाए। कोई मौका नहीं छोड़ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी तो अब इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, प्रियंका गांधी ने कमान संभाली हुई है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी वो बनाई गई थी, पार्टी में महासचिव भी हैं। और अभी CAA का मुद्दा जो गरमाया हुआ है पूरे देश में, उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाभ उठाने की कोशिश इस समय प्रियंका गांधी कर रही हैं। देखिए, जितने भी आंदोलन के दौरान हिंसा हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें जो मुस्लिम लोग खासतौर से मारे गए, उन सब के घर प्रियंका गांधी घूम चुकी हैं, सबसे मिल चुकी हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, मुजफ्फरनगर भी गई थी, उनकी वीडियो भी उसमें मैंने डाली थी। और भी जगह जा चुकी हैं, बिजनौर जा चुकी हैं, मेरठ जा चुकी हैं, कई जगह जा चुकी हैं, मुस्लिम परिवारों से मिल रही हैं। इसके अलावा वो कोशिश कर रही हैं दलित वोटर्स को लुभाने की। देखिए, सहारनपुर ज़िले से एक दलित नेता का उदय हुआ अभी 4-5 साल पहले, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने भीम आर्मी बनाई। लोगों का कहना है कि ये मायावती के लिए ख़तरा हैं, दलित नेता हैं, और उन्हें लुभाने के लिए भी लगातार कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी। वो जब 1 साल पहले घायल हो गए थे एक आंदोलन के दौरान, तो उन्हें देखने के लिए प्रियंका गांधी मेरठ गई थी, हॉस्पिटल गई थी, तो उन्हें भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। अभी हाल ही में कई ट्वीट किए थे प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर के समर्थन में। उन्हें CAA के खिलाफ जो आंदोलन दिल्ली में हुआ था उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो अब तक हिरासत में है। और प्रियंका गांधी ने सिफारिश की थी कि इन्हें क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि इनका क्या जुल्म है, इन्हें रिहा कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रिहा कर देना चाहिए।
लेकिन प्रियंका गांधी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। इनके पीछे उनकी सिर्फ मंशा यही है कि किसी भी तरीके से दलित वोटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। और ये भी माना जा रहा है कि शायद अगर चंद्रशेखर आज़ाद छूटकर बाहर आ गए और कांग्रेस के साथ जुड़ गए तो शायद 2022 में वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ें और दलित वोटों को लुभाने की ये एक सफल मुहिम भी साबित हो प्रियंका गांधी की। बहरहाल स्थिति यही है कि प्रियंका गांधी ने अभी पूरे स्टेट में नए संगठन का एक ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। 50 प्लस नेताओं को कम किया गया है, 50 से नीचे वाले नेताओं को तरजीह दी गई है। जो जिला कमेटियां हैं उन्हें 31 सदस्यों की कैप लगा दी गई है कि 31 सदस्य से ज़्यादा जिला कमेटी में नहीं हो सकते हैं। ज़्यादातर यंग जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। जो नगर कमेटियां हैं उसमें 21 की कैप लगाई गई है कि 21 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और यही सारी जो मुहिम है ये प्रियंका गांधी 2022 के लिए कर रही हैं। फिलहाल ये एक मेरा मानना है कि प्रियंका गांधी की एक प्राइमरी ड्रिल है, प्राथमिक एक महत्वपूर्ण एक कदम है कि वो यूपी पर फोकस कर रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में कांग्रेस के सामने ये होगा कि आपके पास फेस क्या है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा फेस नहीं है कि जिसे आप ये कह सकें कि ये बड़े नेता हैं, ये चीफ मिनिस्टर का फेस हो सकते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी खुद क्यों चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। प्रशांत किशोर ने तो एक बार ये भी कहा था कि राहुल गांधी को खुद को चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए उत्तर प्रदेश के। उसमें कोई गलत नहीं लगता मुझे। आप सीधे सीधे टेस्ट मैच क्यों खेलना चाहते हैं, पहले आप रणजी ट्रॉफी खेलें। बहरहाल राहुल गांधी तो खुद को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी कुछ आउट ऑफ बॉक्स कर सकती हैं। हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए यहाँ पर अपने आप को आगे करें। बहरहाल इस प्रियंका गांधी के अलावा मुझे कोई ऐसा नेता नज़र नहीं आता है कि जिन्हें पार्टी अपना यूपी लेवल का नेता कह सके। देखिए उनके जो अध्यक्ष हैं इस समय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उन्हें कोई नहीं जानता। वो कौन है, क्या उनकी बैकग्राउंड है, कोई नहीं जानता उन्हें। एक गुमनाम सा नाम है वो। और यही वजह है कि कांग्रेस अभी 2022 की तैयारी तो कर रही है, लेकिन ये तैयारी सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप नज़र आ रही है। इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टेंथ स्टेप ये क्या होंगे ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। बहरहाल अभी अगर 2022 की तैयारी की बात करूँ तो कांग्रेस सबसे कमज़ोर मुझे नज़र आ रही है। उनके मुकाबले मुझे समाजवादी पार्टी बेहतर नज़र आ रही है। और समाजवादी पार्टी ये मैसेज देने में भी क्लियर हो रही है कि देखिए अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और बाकी इस मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे। अभी 2022 के चुनाव आने में बहुत समय है। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें 2022 के चुनावों को लेकर जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सारे मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। कांग्रेस, प्रियंका गांधी, 2022, उत्तर प्रदेश, इस पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।